वाइप करना है। दोस्तों इससे पहले मैंने चैनल में बहुत सारे वाटरलेस कार वॉश कॉन्सेंट्रेट का वीडियो बनाया था। आज के इस वीडियो में भी हमारे पास एक वाटरलेस कार वॉश कॉन्सेंट्रेट है, लेकिन दोस्तों वीडियो थोड़ा सा अलग टाइप के होने वाला है और वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास है दोस्तों एक वाटरलेस कार फोम वॉश कॉन्सेंट्रेट। मतलब आज के इस वीडियो में दोस्तों हम करने वाले हैं हमारे कार को वाटरलेस फोम वॉश। और नॉर्मली दोस्तों फोम वॉश करने के टाइम फोम को स्प्रे करने के बाद पानी से रिंस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर वो वाला चीज़ नहीं है। और वाटरलेस फोम वॉश करने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है दोस्तों। प्रोडक्ट का नाम है प्रोक्लियर ब्रांड का वाटरलेस कलर फोम वॉश कॉन्सेंट्रेट ब्लू, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेट है वो ब्लू कलर का है। आप अगर इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इसका परचेस लिंक आपको मिल जाएगा। तो बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोक्लियर वाटरलेस फोम वॉश को दोस्तों यूज करके कार को अगर आप फोम वॉश करना चाहते हैं, देन आपको इस तरीके का फोम स्प्रेयर का जरूरत होगा। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है, आपके पास अगर फोम स्प्रेयर नहीं है देन इस प्रोडक्ट को खरीदना वेस्ट ऑफ मनी होगा और कुछ नहीं। गार्डन स्प्रेयर से भी इसको यूज करके आप फोम वॉश नहीं कर सकते, फोम वहां पर प्रोड्यूस नहीं होगा। वाटरलेस कलर फोम वॉश कॉन्सेंट्रेट जो है इसमें बताया जा रहा है ये हेवी डट और मड को क्लीन कर सकता है आसानी से, लेकिन मतलब आपके कार में अगर मिट्टी वगैरह चिपका हुआ है देन इस प्रोडक्ट को मैं यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। वहाँ पर आपको पानी से ही रिंस करना है, मतलब वाटर वॉश ही कर लेना बेस्ट है, अदरवाइज स्क्रैच मार्क्स मतलब माइनर स्क्रैच या फिर सॉयल मार्क्स वगैरह आ सकता है। तो अभी बात करते हैं दोस्तों इसको यूज़ किस तरीके से करना है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक मेजरिंग जग पर हमारे पास 500 ml पानी है। तो इस 500 ml पानी के साथ दोस्तों यहाँ पर डायरेक्शंस फॉर यूज़ के अनुसार सिर्फ 5 ml कॉन्सेंट्रेट को मिक्स करना है। तो 5 ml कॉन्सेंट्रेट को नापने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक मेजरिंग बीकर भी है, तो इसमें हम नाप के कॉन्सेंट्रेट को डाल देते हैं 5 ml। तो लगभग दोस्तों 5 ml कॉन्सेंट्रेट यहां पर हमने डाल लिए। तो अभी इसको मिक्स कर देते हैं इस पानी के साथ। और डाल देते हैं फोम स्प्रेयर पर। वाटरलेस फोम वॉश करने के लिए दोस्तों आपको जरूरत होगा 2 माइक्रोफाइबर क्लॉथ का, और हमने यहां पर फोम स्प्रेयर के अंदर में जो कॉन्सेंट्रेट है उसको पानी के साथ डाइल्यूट करके रेडी कर लिया है। तो पहला स्टेप है दोस्तों स्प्रे करना। अभी दोस्तों स्प्रे करने के बाद इसको ऐसे ही थोड़े देर के लिए छोड़ देना है। अभी 1 माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेंगे, उसके बाद दोस्तों ऐसे वाइप करना है। यहाँ पर मैं जो चीज़ वाइप करने के टाइम पर समझ पा रहा हूँ, नॉर्मल वाटरलेस कार वॉश में दोस्तों जितना लुब्रिकेशन आता है उससे कई गुना ज़्यादा लुब्रिकेशन यहाँ पर आया है। और इस फोम वॉश कॉन्सेंट्रेट जो है दोस्तों इसको आप कार के एक्सटीरियर के हर एक पार्ट्स पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, यहाँ पर माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो यूज़ करेंगे वाइप अप करने के लिए वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी वाला यूज़ कीजिए, ताकि फोम अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए इसके अंदर में। अदरवाइज एक सिंगल माइक्रोफाइबर क्लॉथ से दोस्तों वाइप अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो पूरा कार को दोस्तों वाइप अप करने के लिए डेफिनेटली एक सिंगल माइक्रोफाइबर क्लॉथ से नहीं होगा। इसको वाइप करने के बाद एक दूसरा माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको वफ कर देना है। और यहाँ पर मैं जो चीज़ देख पा रहा हूँ दोस्तों, क्लीनिंग का क्वालिटी दोस्तों ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है ऐसा नहीं कहूँगा। नॉर्मल पानी से रिंस करने पर जैसा क्लीन होता है शैम्पू वॉश करने पर, वैसा क्लीनिंग तो डेफिनेटली नहीं हुआ है, ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत गंदगी वगैरह है, तो फिर हम अपने स्प्रे करते हैं। उसके बाद
क्लीन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कार के डोर पर थोड़ा सा मड वगैरह चिपका हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ क्लीनिंग किस तरीके का होता है इस वाटरलेस फोम वॉश कॉन्सेंट्रेट से, वो आपको दिखाने के लिए। लेकिन दोस्तों इस तरीके का मड के ऊपर आपको यूज़ करने के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो यहाँ पर स्प्रे करते हैं। और कुछ सेकंड छोड़ देते हैं इसको, एक सिंगल वाइप करेंगे सिर्फ दोस्तों, और क्लीनिंग कैसा हो रहा है देखेंगे। और एक चीज, जब वाइप करना है तब आपको ज्यादा प्रेशर नहीं देना है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना है। थोड़ा सा एक्सपोजर लॉक किया था मैंने, अभी दोस्तों यहां पर वाइप करते हैं, एक सिंगल वाइप करेंगे। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली मड वगैरह तो पूरी तरीके से, जो मतलब थोड़ा बहुत चिपका हुआ था वो क्लीन हो गया है, लेकिन थोड़ा सा पुराना कॉन्टेमिनेशन दोस्तों जो कि चिपका हुआ था पेंटेड सरफेस पर, ये रिमूव नहीं हुआ। या फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत टार स्पॉट है जो कि आपको शायद नहीं दिखेगा, मैं थोड़ा सा जूम करके इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करता, देख सकते हैं दोस्तों अभी यहाँ पर टार स्पॉट आपको दिख रहा होगा, ये सारे टार स्पॉट दोस्तों रिमूव नहीं हुआ, जो कि नॉर्मल शैम्पू वॉश से भी दोस्तों रिमूव नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर कार के टायर और व्हील दोनों को देख सकते हैं, कितना ज़्यादा मात्रा में कॉन्टेमिनेशन इसके ऊपर में डिपॉजिट हुआ है। तो ये वाला चीज़ दोस्तों कार के शैम्पू वॉश से भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वाटरलेस फोम वॉश तो बहुत दूर की बात, इसको क्लीन करने के लिए दोस्तों आपको अच्छा क्वालिटी वाला व्हील क्लीनर इस्तेमाल करना है। टायर ब्रश की मदद से सबसे पहले टायर को क्लीन करते हैं। क्लीन करने के टाइम पर ध्यान रखना है इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ को, कभी भी आप इसको यूज़ करने के बाद टायर या व्हील के ऊपर आप कार के पेंटेड सरफेस पर वापस से यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पर एकदम 100% क्लीनिंग हुआ है ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन दोस्तों एक वाटरलेस फोम वॉश कॉन्सेंट्रेट से जो क्लीनिंग क्वालिटी यहाँ पर देखने के लिए मिला, मैं कहूँगा एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अभी क्लीन करने के बाद आप इस पोर्शन के साथ, ये वाला थोड़ा पोर्शन में क्लीनिंग नहीं हुआ, इसको कंपेयर कर लीजिए। अभी इसको भी दोस्तों कुछ सेकंड के लिए छोड़ देते हैं। अभी दोस्तों इसको वाइप कर देते हैं। जो लुब्रिकेशन मिल रहा है, मेरे ख्याल से सोयल मार्क्स वगैरह आने का चांस नहीं रहेगा, लेकिन पानी से वॉश करना दोस्तों जितना सेफ है, कार के पेंट पर स्क्रैच आने का चांस जितना है, डेफिनेटली किसी भी वाटरलेस कार वॉश हो या फिर इस तरीके का फोम वॉश हो, उसमें सोयल मार्क्स माइनस स्क्रैच वगैरह आने का चांस ज़्यादा रहता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का गंदगी आया है इस क्लॉथ के ऊपर में। जैसा मैंने पहले बताया था आपको, एक सिंगल क्लॉथ से दोस्तों पूरा कार को वाटरलेस फोम वॉश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो यहाँ पर दोस्तों इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ में और इससे ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का कैपेबिलिटी नहीं है, देखिए। और एकदम दोस्तों गंदा पानी निकल रहा है। अभी दोस्तों इसको वाइप कर देते हैं। दोस्तों ये वाटरलेस फोम वॉश कॉन्सेंट्रेट, अगर आप सोच रहे हैं आप मतलब इसको रेगुलर बेसिस में यूज़ करेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इससे कार को वॉश करने के लिए दोस्तों मेहनत नॉर्मल वाटर वॉश से भी ज़्यादा लग रहा है मुझे। और ये सिर्फ दोस्तों बाहर कहीं पर आप कार को लेकर गए हैं, आपके पास कार वॉशिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ तब इसको यूज़ कर सकते हैं आप।
वीडियो पसंद आने पर आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।